हे हाय एवरीवन सीसेट के ये लेक्चर्स आपके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लास्ट टेन इयर्स के और शुभ्रांशु सर आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहे हैं उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे तो सीसेट में आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हो सकता है सबको रिक्वायरमेंट ना हो लेकिन मेरा काम है बता देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यूट्यूब पर डल रहे हैं इन केस आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपको पूरा फुल कोर्स चाहिए जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी सी की और पहले भी टॉपर्स ने इन रैंक फोर ने ये कोर्स यूज़ किया है और उनका जो सी रुका था फिर उसके बाद हंड्रेड के ऊपर उनके मार्क्स आए एंड फाइनली शी इज रैंक फोर देर अदर पीपल ऑल्सो हु हैव यूज दिस कोर्स एंड इंक्रीज देयर मार्क्स लाइक फ्रॉम सिक्सटी टू हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड प्लस सो फुल कोर्स के बारे में एक बार आप सुन लीजिए कि ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड दिस इज इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट एंड इसके अलावा सर हर वीकेंड को जूम मीट लेते हैं मेंटरशिप देते हैं सारे आपके डाउट भी क्लियर करते हैं साथ ही साथ वॉइस नोट वगैरह चलता रहता है लोग अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस ग्रुप में पूछते हैं तो हमेशा एड्रेस करते हैं एट द सेम टाइम ही इज डूइंग सम वैल्यू एडिशन ऑल्सो ऐसे तो हमारा कोर्स ये कंप्लीट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के लिए है दट मीन्स कि टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का जो डिफिकल्ट पेपर आता वो भी इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ये पूरा कोर्स फिर भी एडिशनली कुछ वैल्यू एडिशन कुछ लेक्चर इसमें एड किए जा रहे हैं डाउट डिस्कसन वगैरह होता रहता है अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऑलरेडी वन हंड्रेड थर्टी प्लस लोग हो चुके हैं उनके लिए एक टेलीग्राम पर डेडिकेटेडेडेड ग्रुप भी है सो दैट दे केन हैव ट्वेंटी फोर सेवन डिस्कशन रिजोल्यूशन डाउट रिजोल्यूशन एंड एवरीथिंग वैलिडिटी वैलिडिटी विल बी टिल द प्रेलम्स एग्जामिनेशन दै इज यू पी एस सी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का जो प्रेम्स एग्जाम है उसके डेट तक और ये कोर्स आपको बस ऐप आप अवेलेबल है इस कॉरिडोर के चाहे वो एंड्रॉड हो या आई ओ एस हो आप टैब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं उस ऐप पर सारे इन्फॉर्मेशन कोर्स की दी हुई है देर इज़ वन चेंज ओनली एप पे लिखा है कि यू कैन वॉच द वीडियोज वन और टू टाइम समथिंग लाइक दैट बट ऐसा कुछ नहीं है जब तक वैलिडिटी है आप वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो और इसकी फीस है फोर थाउजेंड इन केस यू आर नॉट एबल टू पे फोर थाउजेंड And if I can do something, aap mujhe now IS Corridor pe message kar sakte hai, Telegram pay directly. That's it. I wanted to say. Now continue with the lecture. All the best. Hello everyone. Welcome to lecture number 18. So we'll be dealing with lecture number 18 today. And let us begin with question number one. In lecture number 18, question number one, the question tells a number N is formed by writing 9 for 99 times what is the remainder if n is divided by 13 so the theme of the question it comes from the house of divisibility and we have seen this question earlier also divisibility of 7 11 13 the approach remains the same we have another approach for 11 but the 7, 11, 13, the approach remains the same. Okay. So, uh, this is an important theme for this year also because such questions repeatedly come in exam. And if you are not prepared for it, I would suggest you to do it from your notes. Right. Now, how to approach this question? The question speaks that n is a number where 9 is written 99 times. So we cannot write 999 times here, but we can form like this, say 9, and it has been written 99 times. Got it? Now, what is the remainder if n is divided by 13? Now, for division of 13, if you remember, if I give you the code, suppose this is a number A, B, C, D, E, F, G is a seven digit number. If this number is divisible by whether it is divisible by seven or 11 or 13, what we do is we make triplets, triplets from the right hand side. This will be the first triplet and this will be the second triplet. And this is standalone, right? We give a plus sign here, or you can give a minus sign here. Suppose if I give a plus sign here, and it is a minus sign and a plus sign. Alternate plus minus signs are given. Now we write the number again preceded by the sign attached to it, right? So we write it as plus A, we write it as minus BCD, we write it as plus EFG. I hope you got it, or else you can tell the number being. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have taken a random number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What we do is we make triplets like this. Give a plus sign here, minus sign here, a plus sign here. Write it as 1 minus 234 plus 567. Evaluate this value. Whatever value you get here, let it be alpha, let it be beta. Check this alpha and beta. If they are divisible by 7. इलेवन और नंबर इज डिविजिबल बाय क्लियर सो अगर हम इसका रिमाइंडर चेक करना चाहेंगे पहले चेक करते हैं कि इस नंबर को ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं बाय फॉर्मिंग ट्रिपलेट्स अगर हम ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे

What will happen? This will happen. Now each pair gets cancelled because you will write 999, minus 999, plus 999. So you can see a plus minus getting cancelled, a plus minus getting cancelled, a plus minus will get cancelled. And what remains is a 999. Now this is the end value which remains. You divide it by 13. Is it divisible? आपका 78 दिस नंबर वुड हैव बीन डिविजिबल बाय 13 दैट मींस ये जो टोटल नंबर है ये 11 एक्स्ट्रा है फॉर व्हिच इट इज नॉट डिविजिबल नाउ सिंस द एक्स्ट्रा इज 11 हेंस वी कैन कॉल दैट द रिमाइंडर इज 11 राइट सो योर आंसर वुड बी 11 गॉट इट सो दिस इज एन इंपोर्टेंट प्रॉब्लम You need to have strong command over the seven, eleven, thirteen. Ka divisibility, right? Now let us proceed to the next question. Now, in this question, this is the question number two of lecture 18. Each digit of a nine digit number, there is a nine digit number is one. Each digit of a nine digit number is one. It is multiplied by itself. What is the sum of the digits of the resulting number? One tip that I want to give you to people is never ever start solving the question. खींचना नहीं है बट इन एग्जाम एट लीस्ट रीड टू टू थ्री टाइम्स तभी जाके यू विल गेट टू नो द क्वेश्चन यू वॉन्ट एबल टू इंटरप्रिट द क्वेश्चन देन यू कैनोट सॉल्व द प्रॉब्लम

वो उसके साथ ही मल्टीप्लाई किया गया है वट इज द सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर यानी ये जो नाइन डिजिटेड नंबर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया एक रिजल्ट यहां पे आएगा ये जो रिजल्ट आएगा ये जितने भी डिजिट्स है इन सबका अगर सम करोगे उसका आंसर क्या होगा

सोचो इस क्वेश्चन को अगर नाइन डिजिटेड नंबर ना होके अगर ये टू डिजिटेड मल्टीप्लाई करो वन ट्वेंटी आंसर में हाउस like इलेवन और फिर इलेवन वन टू वन आएगा तो आप देख सकते हो कि टू डिजिट नंबर पे वो टू तक जा रहा है वन से शुरू होकर टू तक जा रहा है सिमिलरली दिस इज ट्रिक नंबर वन आई एम टेलिंग टू यू और एक मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या आएगा कि हाँ, एक तीन वन अगर है इफ थ्री वन आर देयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन फ्रॉम द राइट हैंड साइड आई स्टार्ट फ्रॉम दन फ्रॉम द राइट हैंड साइड आई टेक इट टू द्री एंड देन आई रिड्यूस इट अगेन टू वन So, क्या आप बता सकते हो कि नाइन में अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा फाइव होगा सिक्स होगा सेवन होगा एट होगा नाइन होगा उसके बाद एट से लेके वन तक जाएगा यही आंसर होगा हमें स्कूल में पता है कि वन से लेके एट तक का सम पता है या नहीं कैसे एट इंटू नाइन बाई टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू पता है तो एट इंटू नाइन बाई टू दैट इज नाइन एज सेवेंटी टू बा सो so, यहाँ पे आएगा थर्टी सिक्स यहाँ पे आएगा थर्टी सिक्स टोटल कितना हो गया सेवनटी टू सेवनटी टू और यहाँ पे मल्टीप्लाई एड तो करो आंसर विल बी एटी वन क्लियर सो योर आंसर इज एटी वन दिस इज ट्रिक नंबर वन एक ट्रिक नंबर टू क्या है देखो अगर मैं इलेवन को इलेवन के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर आया वन टू वन इसका सम करो फोर ओके okay. अभी यहाँ पे वन 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 है इसको वन 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 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आ रहा है फोर फोर एट सॉरी थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन आ रहा है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो अगर इसका सम थ्री आ रहा है तो इसका मल्टीप्लीकेशन वाला जो रिजल्टेंट है उसका सम 9 आ रहा है यहाँ पे अगर टू है तो ये फोर आ रहा है अगर फोर होगा सिक्सटीन आएगा टेन 10 होगा हंड्रेड आएगा टेन तो नहीं होगा एट होगा तो सिक्सटी फोर आएगा नाइन होगा तो एटी वन आएगा आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ट्रिक क्लियर

and they have used this question to find how many how many uh, bits are required or how many statements are essential to determine the oldest person okay ये question का एक छोटा सा trick है वो क्या है बताता हूँ देखो जब भी आपको पूछेगा कि how many statements are given इस इस बार अगर ऐसा question आ जाता है are required to determine the oldest person कौन oldest है इनमें से तो आप पहले क्या करोगे सारा statements को लिखो फर्स्ट स्टेटमेंट दिन ए इज ओल्डर ए बी से बड़ा है स्टेटमेंट टू स्पीक्स सी एन डी आर ऑफ द सेम एज ओके स्टेटमेंट थ्री स्पीक्स इज द यंगेस्ट ई सबसे छोटा है स्टेटमेंट फोर स्पीक्स एफ इज यंगर देर देन एफ स्टेटमेंट फाइव स्पिक्स एफ इज ए अभी ये पूछा है यहां पे permutation combination का use होगा हाउ मेनी स्टेटमेंट ओल्डेस्ट पर्सन सबसे बड़ा आपको चाहिए ये आप डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेशन करके सॉल्व नहीं कर पाओगे वट यू हैव टू डू हियर इज यू द स्टेटमेंट एंड कैन सॉल्व इट ओके तो वो थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है वो मैं बताता हूं देखो आपको पहले कोडिंग करना है पहले लिखो हाउ मेनी स्टेटमेंट ओनली टू पेयर्स लेना है तो ओनली टू पेयर्स कैसे सिलेक्ट करोगे वन को फिक्स करो टू वन को फिक्स थ्री वन को फिक्स फोर वन को फिक्स फाइव अभी टू को फिक्स करो टू फिर वन के साथ ऑलरेडी हो गया है वन टू चला गया है टू के आगे वाले देखो टू थ्री एक पेयर टू फोर एक पेयर टू फाइव एक पेयर हो गया फिर थ्री को फिक्स करो थ्री फोर थ्री फाइव फिर फोर को फिक्स करो फोर फाइव क्लियर ओनली टू वाले हम ले लिए अभी देखो सॉल्विंग क्राइटेरिया क्या है पहला स्टेटमेंट देखो ए बी से बड़ा है तो अभी तक कौन बड़ा है ए बड़ा है और सेकंड है सी और डी सी और डी सेम है तो सी डी सेम है ए बी से बड़ा है यानी क्या आपको यहाँ से इतना इंफ्रेंस मिल रहा है कि कौन बड़ा है नहीं यंगेस्ट का पता नहीं है यानी ई इज द योंगेस्ट वाला स्टेटमेंट हमें चाहिए कौन छोटा है सबसे तो जहां पे थ्री नहीं होगा वो कभी आंसर आपको नहीं देगा तो थ्री कहाँ पे नहीं है उसको हटा दो थ्री यहाँ पे नहीं है वो नहीं होगा यहाँ पे नहीं है नहीं होगा।, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा और यहां पे भी नहीं होगा बाकी हर जगह थ्री है अभी थ्री यंगेस्ट स्टेटमेंट आ गया थ्री को वन के साथ अटैच करो सी और डी का पता नहीं है क्योंकि ए बी से बड़ा है और ई e यंगेस्ट है सी डी और एफ भी है वो भी पता नहीं है तो एफ जहां पे नहीं होगा उसको हटा दो तो एफ कहां पे नहीं है फाइव जिस स्टेटमेंट में फाइव और फोर नहीं होगा उसको हटा दो तो वन थ्री नहीं होगा टू थ्री नहीं होगा अभी थ्री फोर है थ्री फाइव है इज द यंगेस्ट ए बी का पता नहीं है बी जहां पे नहीं होगा वहां से आप इनफर नहीं कर पाओगे तो वन जहाँ पे नहीं होगा उसको भी हटा दो इसको भी हटा दिया तो थ्री इज द नेरीटमेंट थ्री को आपको fix करना ही होगा. अभी अभी चलेंगे कहाँ पे ओनली थ्री स्टेटमेंट पे तो आपके पास कौन कौन है वन टू थ्री फोर फाइव ओनली थ्री लोगे पहले वन टू को फिक्स करो थ्री होगा वन टू फोर होगा वन टू फाइव होगा अभी फिक्स है आएगा व इस तरह ही स्टेटमेंट्स लिखते हैं ये सारे स्टेटमेंट हो गए अभी टू को फिक्स करो टू थ्री को फिक्स करो टू थ्री फोर एक आएगा और टू फोर फाइव एक आएगा लास्ट वाला थ्री फोर फाइव हाउ मेनी सर स्टेटमेंट फाइव सी थ्री होना चाहिए इफ यू नो कॉम्बिनेशन इसका मतलब है फाइव सी टू इसका मतलब है फाइव इंटू फोर बाई टू यानी इसका मतलब है टेन

यहाँ पे नहीं है बाकी हर जगह थ्री है वन टू थ्री वन थ्री फोर वन थ्री फाइव टू थ्री फोर टू थ्री फाइव थ्री फोर आप चेक करो वन टू थ्री में ए बी से बड़ा है सी डी के साथ सेम है ए और सी का रिलेशन पता नहीं है तो ए और सी का रिलेशन कहीं पे भी नहीं है ए सी का रिलेशन हो या ए डी का रिलेशन हो या बी सी का रिलेशन हो या बी डी का रिलेशन हो कहीं पे भी नहीं है रिलेशन इज अ मैंडेटरी स्टेटमेंट ओके गॉट इट तो आप देखो वन टू थ्री कभी आंसर आपको नहीं देगा ये भी नहीं होगा वन थ्री फोर चेक करो ए बी से बड़ा है ई e सबसे छोटा है डी और एफ से बड़ा है तो बी और एफ का रिलेशन भी तो पता नहीं है क्लियर सो so ये भी नहीं होगा वन थ्री फोर भी नहीं होगा तो इस तरह आप चेक करते जाओगे नो वन वुड गेट सेटिस्फाइड इवन इफ फॉर द फोर केसेस आल्सो अभी हम बचा है फाइव फिफ्थ फाइव वाला स्टेटमेंट सारे स्टेटमेंट यूज करके क्या हम आंसर निकाल सकते हैं चेक करते हैं ए बी सी डी ई एफ हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ अमंग ऑल आप ए और बी को चेक करो फोर वाला स्टेटमेंट भी आप चेक कर सकते हो कितने केसेस होंगे फाइव यानी पांच केसेस होंगे वन टू थ्री फोर एक लोगे One, two, three, five, एक लोगे फिर वन टू फोर फाइव एक केसेस।, केसेस में भी चेक करो थ्री नहीं है हटा दो थ्री यहाँ पे नहीं है उसको हटा दिया फिर बाकी सारे केसेस में चेक करो क्या आप आंसर मिल पा रहा है नहीं मिलेगा अभी यहाँ पे फाइव वाला देखो फाइव तो सारे, सारे स्टेटमेंट्स लेंगे ए ग्रेटर देन बी है ए बी से बड़ा है अभी बी का भी आंसर नहीं होगा सी डी से साथ सेम है ओके E E is the youngest तो का भी आंसर नहीं होगा क्योंकि E is the oldest होना हमें oldest वाला चाहिए क्या हम आंसर निकाल पा रहे हैं वही चेक करना है D F से बड़ा है अगर D F से बड़ा है तो C भी F से बड़ा है तो F का भी आंसर नहीं होगा F लेकिन A से बड़ा है F लेकिन A से बड़ा है तो एफ का भी आंसर नहीं होगा मतलब ए भी का भी आंसर नहीं होगा तो होगा तो होगा कौन होगा सी और डी सेम होंगे क्लियर सो सी और डी बोथ आर रिक्वायर्ड बोथ आर इक्वल है मतलब बोथ आर ओलडेस्ट क्लियर तो आपको क्या आंसर आएगा ऑन ऑल फाइव स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द आंसर ओके दिस इज आल्सो अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्विंग दिस इन द एग्जाम सिनेरियो इज बिट टफ बट इफ यू अंडरस्ट द कोड यू कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम

तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ये थर्टी वन आना चाहिए एक चीज याद रखो इसका रिमाइंडर थर्टी वन कब आएगा जब ये डी है ये डी थर्टी वन से बड़ा होना चाहिए अगर डी थर्टी वन से छोटा है तो डिवीजन तो पॉसिबल है ना अगर यहां मैं फिफ्टीन लिखूंगा थर्टी वन आपका एंड रिजल्ट है तो आप फिर से उसको डिवाइड तो कर ही पाओगे थर्टी वन रिमाइंडर पाने के लिए आपका डिवाइजर थर्टी वन से बड़ा होना चाहिए दैट इज द फर्स्ट कंडीशन दैट यू शुड नो द डिवाइजर मस्ट बी ग्रेटर देन थर्टी वन अभी थर्टी वन रिमाइंडर कब आएगा अगर मैं इस नंबर से थर्टी वन हटा दूं, तो ये जो डी है इसको डिवाइड कर देगा अंडरस्टैंड एक नंबर है इलेवन मैं इसको नाइन से डिवाइड करूंगा आंसर आएगा टू अगर इस टू को मैं इलेवन से सब्ट्रैक्ट कर दू आंसर आएगा नाइन और ये नाइन इसके साथ डिवाइड करेगा या नहीं करेगा ओब्वियसली करेगा इफ आई टेक अनदर नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू को मैं नाइन से डिवाइड करूंगा आपका आंसर आएगा फोर बट अगर ये मैं फोर को ट्वेंटी टू से सब कर दू जो आंसर आएगा दिस डिवाइजर विल कंप्लीटली डिवाइडेड क्योंकि मैं जो बचा हुआ पार्ट है उसको तो हटा रहा हूं जो है अगर मैं उसको हटा दू डिविडेंड से तो आपका जो डिवाइजर है उसको तो डिवाइड करेगा ही करेगा मैंडेटरीली करेगा क्लियर दैट मीन्स जो वन वन एट सेवन जो नंबर है या वन वन एट सिक्स जो नंबर है अगर मैं उससे थर्टी वन हटा दू तो आपका आंसर आएगा वन वन फाइव फाइव ये वन वन फाइव फाइव को ऐसे कितने से जो कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं अगर उसी नेचुरल नंबर को मैं वन वन एट से डिवाइड करूंगा तो उसका चांसेस है आपको थर्टी वन रिमाइंडर देने के लिए Are you getting this? Tricky है। number है, 1186. आपको number, 1186 number है आपको ऐसे एक नेचुरल नंबर देखो वन वन एट सिक्स अल्फा से उसको डिवाइड करना है ताकि इसका रिमाइंडर थर्टी वन आए तो अगर मैं वन वन एट सिक्स से थर्टी वन को हटा दू तो जो वैल्यू आएगा वन वन फाइव फाइव उसको मैं अल्फा से डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा कंप्लीटली डिवाइड करेगा ना क्योंकि मैं हटा दिया जो एक्स्ट्रा पार्ट सो दैट मीन्स दोज नंबर्स विच कंप्लीटली डिवाइड वन वन फाइव फाइव कैन गिव अ रिमाइंडर थर्टी वन हमें पता नहीं है क्योंकि और एक कंडीशन है ना अभी हमें ये पता चल गया कि जो अल्फा है वो क्या है वो वही सारे नंबर है जो वन वन फाइव फाइव को डिवाइड करेगा तभी जाके उसका चांस बनेगा एक थर्टी वन रिमाइंडर देने के लिए कैन गिव क्यों लिखा हूं वाइड एंड राइट इट विल गिव बिकॉज और एक कंडीशन है वो क्या है कि द डिवाइजर मस्ट बी ग्रेटर थर्टी वन यानी वो सारे वन वन फाइव को जो डिवाइड करेंगे वो थर्टी वन से बड़ा होना चाहिए वन वन फाइव फाइव को कौन डिवाइड करेगा उसके फैक्टर्स डिवाइड करेंगे राइट right? कौन डिवाइड करेगा उसके फैक्टर्स कंप्लीटली कौन डिवाइड करेगा उसके फैक्टर्स सो वन वन फाइव फाइव के फैक्टर्स आपको निकालने हैं तो आप पहले फाइव से डिवाइड करो क्या आएगा यहाँ पे फाइव टू आएगा शायद फाइव टू से टेन फिफ्टीन फिर फिर इसको 3, 2, 5, 1, 6, 3 से करो, 7 फिर 21, another 21, 77, फिर 7 से करो करो तो आपका जो है 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 वो क्या है? 3 into 5, sorry, prime क्या सॉरी कैसे Power 1 है, ये अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं ये आपको पता होना चाहिए जितने भी पावर से उसके साथ वन एड करके मल्टीप्लाई करना है बेसिक स्टैंडर्ड है प्राइम फैक्टर्स कुछ होते हैं ओके okay. और सॉरी प्रॉपर फैक्टर्स कुछ होते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स कुछ होते हैं इम भी कुछ होते हैं पहले वन एक कंपलसरी होगा और एक है थ्री फाइव सेवन इलेवन एक कंपलसरी होगा अभी देखो टेकिंग ओनली वन एट ए टाइम आपका क्या क्या आएगा थ्री आएगा फाइव आएगा सेवन आएगा इलेवन आएगा Taking two at a time. क्या क्या आएगा? थ्री को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करो फिफ्टीन थ्री को सेवन के साथ मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी वन थ्री को इलेवन के साथ मल्टीप्लाई करो थर्टी थ्री फाइव को थ्री के साथ हो गया फाइव को सेवन के साथ थर्टी फाइव फाइव को इलेवन के साथ फिफ्टी फाइव सेवन को इलेवन के साथ सेवन सेवन टोटल कितने चार केसेस है दो सिलेक्ट करना है 4C2. 4C2 आपको पता होना चाहिए, तो तो टोटल केसेस अगर आप लोगे तो लिखना जरूरी नहीं है फोर सी थ्री हाउ मेनी केसेस फोर केसेस टेकिंग फोर एट ए टाइम इज फोर सी फोर हो गया अभी देखो थर्टी वन से छोटे वाले को हटा दो क्योंकि वो कभी नहीं बने ये नहीं, ये नहीं होगा 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 बाकी जो बच्चे हैं वो सारे थर्टी वन आपको रिमाइंडर देंगे तो टोटल टो हाउ मेनी यहाँ पे चार यहाँ पे चार आठ केसेस और यहाँ पे एक केस नाइन केसेस विल बी योर आंसर आई होप यू हैव गॉट इट सो योर आंसर इज नाइन क्लियर नाउ लेट प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम अनदर ट्रिकी प्रॉब्लम

इलेवन सबका का एक फैक्टर uh, क्या है ग्यारह एक फैक्टर है एक फैक्टर ग्यारह है यहाँ पे पी क्या है वन यहाँ पे पी क्या है टू यहाँ पे पी क्या है थ्री यहाँ पे फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अच्छा इन सबको मैं इलेवन से डिवाइड कर सकता हूँ ओब्वियसली कर सकते हो जो करोगे वही मिलेगा इलेवन इंटू इधर पी और क्यू और आर वट एवर बी द वैल्यू विल गिव यू इधर पी पी और क्यू क्यू और आर आर

Or else it won't be valid. ये आपको पता चल गया दिस इज द फर्स्ट सिंगल डिजिट नंबर से प्रॉब्लम द प्रॉब्लम सेन क्यू इज लेस देन आर पी क्यू से छोटा है और आर से भी क्यू छोटा है ओके okay. और एक कंडीशन है पी पी क्यू क्यू आर आर इक्व टू टी टी जीरो तो आप यहां से इलेवन कॉमन ले सकते हो बताया अभी यहाँ पे इलेवन यू नीड टू थिंक अबाउट दिस कि यहाँ पे टी कॉमन जाएगा एक सौ दस आएगा ओके सो यू नीड टू ऑब्जर्व दिस थिंग कि हाँ इलेवन कॉमन हो सकता है दैट मेक्स दिस क्वेश्चन टफ इसको कैंसिल करोगे टेन टी आएगा अभी आपको क्या मिला पी प्लस क्यू प्लस आर टी क्या है एंटीजर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे दे सकते हो पॉजिटिव है नेचुरल नंबर से क्लियर क्योंकि क्वेश्चन गिवन है नाउ टी का पहला वैल्यू आप क्या दोगे वन दोगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना आएगा दस टी को टू दोगे पी प्लस क्यू प्लस आर कितना आएगा बीस टी को थ्री दोगे पी प्लस क्यू प्लस आर कितना आएगा तीस ऐसे चलेगा पी क्यू आर क्या है सिंगल डिजिट नंबर है और पी सबसे छोटा है क्यू उससे बड़ा है और उससे बड़ा आर तो आप एक केस बना सकते हो 7, 8, 9, एक केस ऐसे बन सकता है दैट इज़ द मैक्सिमम केस मैक्सिमम वाला केस वही है क्योंकि अगर आप पी को एट मान लोगे तो केस बनेगा ही नहीं पी का मिनिमम वैल्यू सेवन होना चाहिए पी इज मिनिमम वैल्यू इज सेवन सॉरी पी का मैक्सिमम वैल्यू इज सेवन p कभी एट नहीं हो सकता है p एट होगा तो ये नंबर ही पॉसिबल नहीं बनेंगे ये पेयर नहीं बनेंगे क्योंकि p छोटा है उससे बड़ा q है उससे बड़ा r है तो सेवन एट नाइन इज अस केस इसको अगर आप सम करोगे समे इजेंटी फोर तो आपका p प्लस क्यू प्लस आर का मैक्सिमम सम कितना है मैक्सिमम सम तो ट्वेंटी फोर होना चाहिए तो ये वाला केस नहीं बनेगा इस दोनों का खेल है नाउ यू नीड टू फाइंड हाउ मेनी सच केसेस आर देयर यही ट्रिकी पार्ट है पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू टेन टेबल बनाओ ये पी का केस है ये क्यू है ये आर है याद रखो पी छोटा होना चाहिए क्यू से और आर से दस बनाना है पहले पी को वन डालो क्यू के जगह टू डाल सकते हो वन टू सेवन आएगा वन डालो थ्री डाल सकते हो थ्री वन फोर सिक्स आएगा वन फोर फाइव डाल सकते हो वन फाइव नहीं होगा क्योंकि सिक्स हो जाएगा यहाँ पे फोर आएगा नहीं बनेगा अभी टू पे चले जाओ टू थ्री डाल सकते हो क्योंकि उससे बड़ा तो थ्री ही है अब वन नहीं डाल सकते क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो टू थ्री फाइव हो सकता है टू फोर सिक्स हो गया सिक्स के साथ फोर नहीं बनेगा ये केस नहीं बनेगा अभी नेक्स्ट थ्री पे चले जाओ थ्री के बाद फोर ही डालोगे थ्री फोर फाइव सॉरी थ्री, थ्री फोर सेवन उसके बाद थ्री नहीं बनेगा तो यहाँ पे केसेस खत्म हो गए फिर फोर डालोगे फोर फाइव नाइन नहीं बन रहा है फाइव डालोगे सिक्स डालोगे नहीं बनेगा तो केसेस खत्म यही चार केसेस ही आएंगे अभी पी प्लस क्यू प्लस आर को ट्वेंटी डालो जब आप ट्वेंटी डालोगे पहले वन पे चेक करो वन डालोगे टू डालोगे टू वन थ्री थ्री के बाद कितना चाहिए सेवनटीन चाहिए नहीं बनेगा वन के साथ आप लास्ट वाला डालो एट क्यू का मैक्सिमम क्या है एट एट वन नाइन नाइन के साथ ग्यारह चाहिए नहीं बनेगा वन का केस नहीं बनेगा फिर टू डालो टू को थ्री के साथ डालो थ्री टू फाइव तो एक फाइव थ्री टू फाइव है मतलब पंद्रह चाहिए नहीं बनेगा एट का मैक्सिमम चेक करो टेन 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 चाहिए नहीं बनेगा थ्री पे बनेगा थ्री आया थ्री का एट का मैक्सिमम क्यू का मैक्सिमम चेक करो एट थ्री इलेवन इलेवन के साथ नाइन आया अभी थ्री और सेवन नहीं बनेगा क्योंकि और कभी नहीं हो हो सकता है Got it? ये केस हो गया अभी next. 4 पे चेक करो डालोगे फोर से बड़ा फाइव है फाइव फोर नाइन नाइन ग्यारह चाहिए नहीं होगा सिक्स फोर टेन नहीं होगा सेवन हो सकता है सेवन फोर इलेवन हो सकता है नाइन फोर एट एट फोर ट्वेल्व एट चाहिए नहीं होगा फिर फाइव डालो फाइव सिक्स क्योंकि बड़ा होना चाहिए सिक्स फाइव इलेवन नाइन हो सकता है फाइव सेवन उसके बाद एट, ट्वेंटी हो सकता है थर्टीन और, और सेवन नहीं बनेगा इक्वेलिटी केस आ गया सेवन पे चेक करो सेवन एट एट सेवन फिफ्टीन फाइव नहीं बनेगा केस फेल इसके बाद सारे केसेस फेल हो जाएंगे क्लियर ये आपको डेवलप करना है ये कोई पढ़ा नहीं सकता ये वाला ट्रिक वॉट इट यू नीड टू डेवलप दिस क्वालिटी टू थिंक एंड पुट दिस नंबर्स कितने केसेस हो गए पांच छ सात आठ क्वेश्चन क्या पूछा है देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि द मैक्सिम वैल्यूज ऑफ पी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एज फाइव पी के नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फाइव है पी का एक वन है यहाँ पे एक वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है तो टोटल पांच ही केसेस है तो पी का फाइव है ये करेक्ट स्टेटमेंट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू इज सिक्स क्यू का एक के टू एक के से थ्री एक फोर थ्री ऑलरेडी टेकन और एक है यहाँ पे एक है एट यहाँ पे एक सेवन और एक है सिक्स हो गया तो so, क्यू के कितने केसेस है सिक्स केसेस दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट बोथ वन एंड टू क्लियर

And red to green. The first signal takes 25 seconds, second signal takes 39 seconds, third signal takes 60 seconds to change the color from green to red. The durations for green and red are same. Okay, code. Question: the statement framing, statement to this data fitting.

वो सिक्सटी सेकंड पे चेंज करेगा एक टाइम आएगा वो सारे रेड बन जाएंगे डिफर करता है फर्स्ट लाइन में फर्स्ट ट्वेंटी फाइव सेकंड में सारे रेड नहीं बनेंगे एक वाला पच्चीस सेकंड लेगा देखो एक है दो बजे तीनों सिग्नल दो बजे ग्रीन है उसके बाद उसके पच्चीस सेकेंड के बाद फर्स्ट वाला का रेड बन जाएगा इसके पर्टी नाइन सेकेंड के बाद फर्स्ट वाला सेकेंड वाला रेड बन जाएगा ये सिक्सटी सेकेंड्स के बाद ये रेड बन जाएगा इसके बाद ये फिर से ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स के बाद ये रेड ग्रीन बनेगा ये फिर ग्रीन बनेगा ये फिर ग्रीन बनेगा फिर ये रेड बनेगा फिर ये रेड बनेगा फिर ये रेड बनेगा ऐसा एक टाइम आएगा जहां पे वो सारे रेड बन जाएंगे फिर और एक टाइम आएगा वो, वो सारे ग्रीन बन जाएंगे पहले रेड बनेंगे उसके बाद ग्रीन बनेंगे क्लियर पहले सारे रेड बनेंगे उसके बाद ग्रीन बनेंगे उसके लिए आपको क्या चाहिए एलसीएम चाहिए सो आप एलसीएम निकालो 25, 39, 60, कितने टाइम के बाद वो सेम हो जाएंगे? 25 seconds, 39 seconds, 60 seconds, वो मिलेंगे? एक बार जैसे ग्रुप वाले हॉबीज वाले एक दिन मिल रहे हैं कभी डेस्क वाले प्रॉब्लम ट्रेन वाला प्रॉब्लम कभी सिग्नल वाला प्रॉब्लम ट्राफिक वाला प्रॉब्लम सारे सेम है एल सी एम बेस्ड अब फाइव से डिवाइड करोगे यहाँ पे फाइव आएगा थर्टी नाइन होगा और यहाँ पे ट्वेल्व आएगा फिर आप थ्री से डिवाइड करोगे यहाँ पे फाइव आएगा यहाँ पे थर्टीन आएगा यहाँ पे फोर आएगा तो टोटल कितना हो गया 5 into 5 into 3 into 13 into 4. इतने के बाद वो फिर से सेम साइन बन जाएगा सेम सिग्नल बन जाएगा तो कितने मिनट्स हो गए इतने ही मिनट्स के बाद साइन आएगा तो 65 और एक 65, 65 65 130, hours, तो और कितना है यानी दो बजे के बाद दो घंटा दस मिनट के बाद वो एक साइन आएगा वो क्या होगा चार दस क्लियर गॉट इट जुअली लेना है क्वेश्चन का पहले ऑप्शन पढ़ो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बास अलोन किसी एक स्टेटमेंट इधर इट कैन बी स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन ओके okay. मतलब स्टेटमेंट वन को यूज करके आपका आंसर आएगा स्टेटमेंट टू से नहीं आएगा और स्टेटमेंट टू से आएगा स्टेटमेंट से नहीं आएगा क्लियर स्टेटमेंट बी क्या गिवन गिवन है ऑप्शन बी बी क्या द क्वेश्चन कैन बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन एनी वन अलोन ओके बट यहाँ पे वो बता रहे कि दूसरे से नहीं आएगा बट यहाँ पे ये यह बता रहे कि कौन सा भी आप ले लो ईधर स्टेटमेंट वन ले लो और स्टेटमेंट टू ले लो आपका आंसर आ जाएगा ओके एनी वन यू टेक बट ये ये नहीं बता रहा है कि दूसरा वाला कभी आंसर नहीं देगा अंडरस्टैंड स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू ये दोनों में फर्क है ए और बी में ऑप्शन सी देखो तो क्वेश्चन कैन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टूगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग ईदर स्टेटमेंट तो ये एक अपग्रेडेड वर्सन है मतलब कैन नॉट बी आंसर यूजिंग ईदर स्टेटमेंट मतलब ये है कि दोनों को लेके आप आंसर नहीं निकाल सकते हो बट दोनों को मिला के आप आंसर निकाल सकते हो और डी क्या है कैन नॉट बी आंसर यूजिंग टुगेदर आप दोनों को यूज करके भी आंसर नहीं निकाल पाए अभी इस तरह का प्रॉब्लमली लोगों को बहुत दिक्कत होता है वो समझ नहीं पाते क्या हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे जीरो मानो ये वन है ये टू है ये थ्री है फिर नेगेटिव लिखो क्योंकि हमें नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बताया गया नहीं है तो कुछ भी हो सकता है वट कैन बी द केसेस एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक दो नेगेटिव ये सारे केसेस बन सकते हैं देखेंगे आगे पहला वाला सवाल है पी क्यू इज ग्रेटर देन जीरो पी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तो इसमें क्या क्या हो सकता है कहां पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो है इधर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव तो आप दो केसेस लोगे पहला वन और टू लो क्या आप टू और वन ले सकते हो हाँ उल्टा भी कर सकते हैं माइनस थ्री और माइनस टू ले सकते हो माइनस टू और माइनस थ्री ले सकते हो ये पी है और ये क्यू है इस वाले में पी क्यू का प्रोडक्ट क्या है टू है यहां पे भी टू है यहाँ पे सिक्स है यहाँ पे भी सिक्स है चार केसेस में ग्रेटर है पी क्यू इज ग्रेटर क्या चार केसेस में आपको पी ग्रेटर देन क्यू मिल रहा है यहाँ पे पी ग्रेटर देन क्यू है यहाँ पे पी लेस देन क्यू है यहाँ पे पी इज लेस देन क्यू है और यहाँ पे पी इज ग्रेटर सारे केसेस सेम रिजल्ट नहीं दे रहा है नाउ सिंस ऑल द केसेस आर नॉट गिविंग यू द सेम रिजल्ट स्टेटमेंट वन अलोन कैन नॉट गिव यू द आंसर ओके तो स्टेटमेंट वन अलोन आंसर नहीं देगा तो बी और सी गलत हो गया क्लियर अभी चलते हैं स्टेटमेंट टू पे सेम है क्वेश्चन बस पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कर दो यहां पे वन आएगा यहां पे फोर आएगा यहां पे फोर आएगा यहां पे आएगा यहां पे फोर आएगा यहां पे नाइन आएगा व्हाट आई डिड एट जस्ट इट क्वेश्चन दिया है कि पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू यहां पे p ग्रेटर देन क्यू है क्या यस yes. इसमें p ग्रेटर देन क्यू है क्या सॉरी क्वेश्चन है पी स्क्र इज ग्रेटर ये वाला नहीं होगा ये वाला होगा माय बैड ये वाला नाइन है ये वाला फोर है ये वाला फोर है और ये वाला नाइन है माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन है ना यहां पे पी स्क्र इज ग्रेटर देन क्यू स्क्र

स्टेटमेंट टू आंसर नहीं दे रहा है स्टेटमेंट वन आंसर नहीं दे रहा है तो दोनों ऑप्शन गलत अभी बचा है डी सो डी है दोनों कैनॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग ओके एक मिनट ये वाला ऑप्शन गलत नहीं होगा उसको भी चेक करना पड़ेगा रुको बोथ स्टेटमेंट भी चेक करना पड़ेगा बोथ को ले लेते हैं बोथ क्या है बोथ स्टेटमेंट ये है बता रहा है कि पी और क्यू ग्रेटर देन जीरो है एंड पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर अभी देखो ये केस देखो यहाँ पे फोर वन एक केस है नाइन फोर एक केस है प्रोडक्ट करो इसका पी क्या है टू है इसका पी है one. इसका पी है थ्री माइनस थ्री और इसका क्यू है माइनस टू पी क्यू सम करो, करो टू आ रहा है सिक्स आ रहा है क्या ग्रेटर देन जीरो है फोर ग्रेटर देन वन है नाइन ग्रेटर देन फोर है, है. यहाँ पे क्या मिल रहा है

Uh, we have come to an end of lecture number 18 so we'll see you again in the next lecture, lecture in lecture number 19 till then have a great day bye bye take care everyone jai hind